मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है उसे। ये सब जानने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो उस बूढ़े का क्या नाम था, वो सोत के गिरजाघर वाला, यून नाम बताया था। हाँ यून, उससे मुलाकात करो और कहो कि जाए और मालूम करे कि ग्रेगोर मेरे बारे में क्या सोचता है। जरा ठहरो, एक और बात भी है। बिथिनिया के तमाम कलेदारों को पैगाम दो, मैं सबको कल यहां देखना चाहता हूं, कोसे समेत। जो आपका हुक्म जनाब। ठीक तो है ना मेरी बहन? खड़े होने में मदद करेंगे क्या हमारी? हाँ हाँ बिल्कुल। क्या हुआ, चोट लग गई क्या? आओ उठो, हाथ पकड़ाओ। आपको मुझे हल्का नहीं लेना चाहिए था भाईजान। बिल्कुल सही कहा तुमने, हमारे खानदान के किसी फर्द को हल्का नहीं लेना चाहिए। जनाब, बलजिट से अहम खबरें आई हैं। क्या खबर है? जनाब किलेदार होगा तो उसने कल तमाम किलेदारों को बुलवा भेजा है। उसने ग्रेगोर को जो हासिल किया है, इसलिए हम सबको वहां बुलवाकर अपनी ताकत का नजारा करवाना चाहता है। नहीं कर सकता जनाब, अलबत्ता दूसरी खबर बिल्कुल यही है। दरअसल बेल्जिक किले का हर फर्द पादरे ग्रेगोर को अपनी मर्जी से उस्मान के पास पनाह लेने की बात कर रहा है। उस्मान के पास मर्जी से, वो भी? अब देखो रगत, उसकी दावत कितनी अच्छी लग रही है। बल्कि मेरा जहन तो ये कह रहा है कि हमें जरूर जाना चाहिए था कि पता चले कहता क्या है, मगर पहले मुझे उस्मान से मिलना जरूरी है। ग्रेगोर को तलब करेंगे। बिल्कुल ठीक कहा, मगर इस बार ये तय अपने शहंशाह की चाहत सामने रखूंगा। उस्मान फिर से मना कर देगा? ये तो मैं भी जानता हूं मारी, मगर इस बार उसके सामने रोगत उस नहीं बल्कि बाजंतीनी शहंशाह का जंगजू सिपासालार मिखाइल कोसेस होगा। उस्मान को इस बात का एहसास दिलाने का वक्त आया तो कई बार है, लेकिन अब नहीं चूकेंगे। सिपाहियों, सूरज गुरुब होने से पहले हमें लौटना है। बाला, अभी तक नाराज हो क्या मुझसे? गोपचे के सामने तुम्हारे गुरूर ने कबीले को नुकसान पहुंचाया है, तो मेरी जगह होती तो गुस्सा ना आता। अगर तुम कमजोर पड़ गई तो किस पर एतमाद करूंगी मैं? सही कह रही हो तुम, गलती मेरी है, माफ कर दो। क्या मैं इस कमान को इस्तेमाल कर सकता हूं उस्मान साहब? जरूर कीजिए कोशिश,
बाला, अब क्या मेरी तरफ देखोगी भी नहीं? इंसान कैसे तंग आ सकता है किसी अपने से? मेरी बहन, कुछ ही देर में मेरी मुट्ठी में आ गिरोगे। उस्मान साहब, सिपाहियों, होशियार हो जाओ। बाला, तुम अपना ख्याल रखना। उस्मान को इस खत्ते से मिटाकर रख देंगे और तुम लोगों पर इस जमीन को तंग कर देंगे। तुम्हारा ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। हमें यहां से निकलना होगा। बाला, मेरा बच्चा। बाला, 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 आंखें खोलो बाला, 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 तुम एक मजबूत औरत हो, हिम्मत करो, हिम्मत करो बाला, हिम्मत करो तुम। मेरा बच्चा। क्या होगा? बाला, होश में आओ बाला। हमें कबीले जाना होगा। सिपाहियों, जल्दी करो। बाला, बाला, होश में आओ बाला। तुर्क कमान इस्तेमाल के लिए महारत चाहती है, इसलिए कि ये छोटी कमान और छोटा तीर और कम फासले का निशाना आखिरी बार होता है। तलवारबाजी के साथ साथ आप तीरंदाज भी अच्छे हैं। वैसे आप यहां तीरंदाजी की तरबियत देखने तो नहीं आए होंगे। मैं यहां क्यों आया हूं यह तो आप भी अच्छी तरह जानते हैं। पादरी ग्रेगोर, जिनको शहंशाह बहुत शिद्दत से अपनी तहवील में लेना चाहते हैं, इस बात को अच्छे से समझ लें।
क्योंकि आप जो कर रहे हैं और आपकी नजर में बहादुरी का काम है वो, तो इस बात को जहन नशीन कर लें कि हमारे शहंशाह बहुत गजबनाक हो जाएंगे और उस पर उनका रद्देमल आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। खबर मेरे तीर की तरह तेजी से फैली है, इतना जल्द लौटाने की तवक्को नहीं थी। ये बितिनिया है, महदूद सा। आप मुझसे चाहते क्या है वैसे कोशिश? पादरी को अगर हवाले कर दूं आपके तो रुकावटें क्या खत्म हो जाएंगी फिर? हाँ बिल्कुल, मैं भी आपको यही समझाना चाह रहा हूं जो आप समझ नहीं रहे। इससे पहले कि मामला बे इंतहा बिगड़ जाए और बात आपके हाथ से निकल जाए, अगर आप इसी तर्ज पर चलते रहे तो मुझे डर है कि फना हो जाएंगे। इस खित्ते में तवील मुद्दत से हम आपके साथ रह रहे हैं, हद से तो आप अच्छी तरह वाकिफ होंगे तुर्कों की। मिकाइल कोसिस, हमारे पास ग्रेगोर ने पनाह हासिल की है अपनी मर्जी से, किसी और की नहीं। अगर बादशाह द्रोनी को उस मजाते खुद भी आ जाए तो भी उसे ले जा नहीं सकता हमसे। बादशाह को बता दीजिएगा। तलवार किसके लिए बना रहे हैं? किसके लिए हो सकती है दाऊद उस्ताद? मेरे बेटे ओरहान के लिए। अरे माशाल्लाह, हक है अल्लाह, हक है अल्लाह, हक है अल्लाह। इस घोड़ी को जाने क्या हो गया? अरे वाह खूबसूरत। अरे लेकिन इसको हुआ क्या? घोड़ी है ये तो, ये तो अलाजा है। क्या हो गया इसे? अलाजा आराम से। क्या हुआ है? क्या हुआ है? मुझे क्या हुआ? क्या हुआ बाला? ठीक तो क्या हुआ है? कौन था वो? किसने किया है? बताओ ये किसने किया? कोई बताएगा मुझे? उस्मान साहब, बच्चे की जान खतरे में। क्या कह रही हो ये? उस्मान, हमारी औलाद, हमारा बच्चा बाला। हटो उस्मान, क्या हुआ? भाईजान हटो। ताईजान, बाला, मेरी बच्ची। नहीं। उस्मान, खेमे में जल्दी ले चलो। जल्दी चलो। जल्दी करो, जल्दी। एहतियात से, सबको लेकर जाओ। हट जाओ। बाला, आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ। पीछे हटो। ताईजान, आ जाए। हाँ। आ जाए।
बाला हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। ताईजान, बाला, 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 तुम हटो, 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 मुझे देखने दो। परेशान ना हो बेटी, हिम्मत रखो, ठीक हो जाएगा, अभी देख लेती हूँ। बाला, बाला, मुझे बता। शुक्र है, जख्म गहरा नहीं है। हाँ, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। आइए उतार दो। सब ठीक है? बताए ना मुझे। तुम जाओ। बाला। बाहर जाओ तुम। उस्मान। मत जाए। अगर हमारा बच्चा ना रहा। बच्चा है उस्मान। यही हूं मैं बाला, फिक्र मत करो, यही हूं मैं। हिम्मत रखो बेटा, चलो हमें काम करने दो। शाबाश। ख्याल से। हाँ। मेरी बच्ची, पानी लेके आओ, जल्दी करो। ये क्या हो गया? अम्मा मेरा बच्चा। जल्दी करो, क्या कर रही हो? मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा, हिम्मत रखो। मेरा बच्चा सलजान अम्मा, ठीक होगा तुम और तुम्हारे बच्चे ठीक हो जाएंगे बच्चा। किसने किया है ये मलहून? कतालूनियों ने। सौत से लौट रहे थे, कतालूनी घात लगाए बैठे थे। हमने मुकाबला किया मगर कह रहे थे उस्मान को इस खित्ते से मिटा देंगे, कहा कि तुम लोगों पर जमीन को तंग कर देंगे। डॉक्टर, हुजूर, फौरन सिपाहियों को ले जाओ, किसी को भी मत छोड़ना, खून में लथपथ कर देना। वो नहरें जो इस खित्ते में बहती हैं, सुर्ख होकर बहनी चाहिए आज। आप देखते जाएं, आप जल्दी जाओ। टोक टोक, मेरा इंतकाम लेकर लौटना। आज जहां उनकी लाशें आनी चाहिए। वो नहीं बचेंगे। आ जाओ भाइयों। ए मेरे अल्लाह, औलाद को हमारी अपने हिफ्ज व अमान में रखना, बाला की भी हिफाजत करना, उसे इस मुश्किल से निकाल मेरे अल्लाह। उस्मान बेटा, आओ थियोडोर,
यौन का कुछ पता चला तुम्हें? जी हाँ जनाब, और आपका पैगाम भी पहुंचा दिया। क्या कहा उसने बताओ मुझे। उसका कहना था कि ग्रेगोर मेरा भी उतना ही दोस्त है जितना तकफोर रोगातुस का है। आपके हुक्म के मुताबिक ग्रेगोर से तमाम हकीकत मालूम करेगा वो। बेहतरीन, बहुत खूब, बहुत खूब। जैर कोताई के बगैर काफी सुकून से ये काम हो जाएगा। एक पागल है ये भी। सही, जैर कोताई और आयगुल कहाँ हैं? उन्हें कोई जिम्मेदारी दी होगी यकीनन। कतालूनी इसी रास्ते से अपने ठिकाने पर जाते हैं, लेकिन आज नहीं जाएंगे। यहां आते ही मौत उनका इस्तकबाल करेगी। तुम सब होशियार रहना, किसी भी लम्हे आ सकते हैं। अपने सरदार को सुरखुरू करेंगे हम, उनमें से किसी एक को भी नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। उनकी सांसें बंद करना हमारी ही जिम्मेदारी है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आ रहे हैं जनाब, तादाद ज्यादा नहीं है। चलो चलें, सारे तैयार रहना। कहां रह गए अभी तक, आए क्यों नहीं? ये तो घात है, हर तरफ नजर रखो। उस तरफ से चलो बुरान, चले। शाबाश गोख्तुक, शाबाश। ठुंडड़ी पकड़ लो, पकड़ो। इकट्ठे हो जाओ, एक तरफ आ जाओ, जमा हो जाओ। रुक जाओ, ये
उस्मान साहब नहीं आए, मेरा ख्याल था कि वो खुद आएंगे। तुम्हें मारने के लिए हम ही काफी हैं। बुरान, चलो दिखाते हैं इन्हें। रुक जा दीगो। हिम्मत करो, शाबाश। ऐसे नहीं, दोबारा आओ तो अपने सरदार उस्मान को ले आना। आएंगे, बिल्कुल आएंगे असलमो, आएंगे। उस्मान बेटा, बाला, ये कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, ठीक हो ना? बच्चा कैसा है? शुक्र है तुम और तुम्हारा बच्चा ठीक हो। अम्मा, सिलजान अम्मा, मेरा बच्चा कैसा है? मेरा बच्चा तो ठीक है ना? कुछ कहिए। अल्लाह का शुक्र है, दोनों खैरियत से हो। अल्लाह तेरा शुक्र। तेरा लाख लाख शुक्र। अल्लाह, मुजज़ा लगता है मुझको, माशाल्लाह। बाला, ताई जान, हाँ। बहुत शुक्र है बेटे। खुश रहो। बहुत शुक्र है बाला। बहुत डर गई थी उस्मान, में मुझे लगा कहीं उसे खो ना दूं। बाला, बहुत सी जंगें लड़ी मैंने, बहुत सी मुश्किलात से गुजरा हूं मैं, लेकिन आज जो मैं डर गया हूं, इतना कभी भी नहीं डरा। तुम्हारे खो जाने के डर से मैं खौफजदा हो गया था। बेशुमार इम्तिहानात से जिस बच्चे के लिए गुजरे हैं हम दोनों, उसे खोने से डरा हूं मैं। अल्लाह का शुक्र है। शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। यखनी लाई हूं तुम्हारे लिए। मलहून, इधर आओ, आ जाओ। आराम से। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह शिफा दे। बताओ बहादुर, क्या हाल है पादरी ग्रेगोर के?
पहले से ज्यादा हिफाजत में रखा जा रहा है, यहां तक कि खाने की भी तफ्तीश की जा रही है। ये बातें तो मैं खुद भी जानता हूं, लेकिन अब ये सुनो, जितनी भी सख्ती हो जाए तुम्हारी तफ्तीश कोई नहीं करेगा, समझ रहे हो? उस पादरी को तुम कत्ल करोगे, मार दो। मैं ये सब कुछ चैन से जिंदगी गुजारने के लिए कर रहा हूं जनाबे कोसिस, और अगर मैं मारा जाता हूं तो फिर इसका क्या फायदा? फायदा भी मिलेगा। पेशकश के लिए बहुत शुक्रिया जनाब अफंदी कोसिस। तुम जिंदा नहीं जा सकते यहां से जब तक तुम अपने मुंह से ना कह दो कि मैं पादरी को मार दूंगा, तो फिर समझो तुम्हारे जीने की उम्मीद बाकी है। हां, यहां से जाने के बाद अगर तुम्हारी राय तब्दील हो जाती है तो इस बात का यकीन कर लो, पादरी ग्रेगोर से भी ज्यादा गैर महफूज हो। अपनी पूरी कोशिश करूंगा। इसी जवाब की उम्मीद थी मुझे। जाओ, आजादी मुंतजर है। क्या कामयाब हो जाएगा जनाब? अगर आप चाहें तो बादशाह। खामोश, कुछ नहीं बोलना। शहंशाह जानते हैं सब कुछ। ग्रेगोर पादरी को एक आम से तुर्क सरदार से हासिल ना करने का गुस्सा है मुझे। मजीद मौका नहीं देना चाहता मैं। जब बहादुर पादरी को मार देगा फिर मैं शहंशाह के सामने उसकी लाश को पेश कर दूंगा। पूरा खेल खत्म।